हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे फार्मिंग चैनल के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में, और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑयस्टर मशरूम को ऑर्गेनिक तरीके से कैसे उगाया जाए, जो कि केमिकल का यूज़ ज़रा सा भी ना हो, एकदम केमिकल फ्री मशरूम उगाना चाहें और वो 100% ऑर्गेनिक हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं किस तरीके से हम ऑर्गेनिक मेथड से जो है ऑयस्टर मशरूम को उगा सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक मेथड से मशरूम को कैसे उगाया जाए, प्लीज़ इस पर एक वीडियो लाएँ। तो लीजिए, आपके कहने से वीडियो आ गया है। और अगर आप व्यूअर्स को भी कुछ जानकारी चाहिए हो एक्स्ट्रा जो वीडियो में ना हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप भी मशरूम की खेती कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जो कि मैंने एकदम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट किया जाए, एक फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, उसको देखें और सीखें। और जो मेरे किसान भाई पहले से ही मशरूम की खेती कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत आ रही है मशरूम की खेती करने में, तो प्लीज़ वो भी हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने अपने वीडियोस में फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। मैं किसानों के लिए एकदम आसान से जो है उपस्थित हूँ किसान की मदद करने के लिए। तो आप हमें बेशक कॉल कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। आपके हर कमेंट का जो है, हर क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूँ हर वीडियो में, और जहाँ तक हो पाता है मैं सभी को रिप्लाई करता ही हूँ। ऑयस्टर मशरूम का ऑर्गेनिक मेथड भी दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा होता है, आपका जो है पाश्चराइजेशन करने के लिए जो पुआल होता है या फिर सब्सट्रेट होता है, आपको उसको शुद्धिकरण करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा लगाने वाला जो है बॉयलर आता है, जिसमें प्रेशर बना के और उसको जो है निर्मलीकरण करता है, और जिसमें से जो कीटाणु होते हैं या फिर फंगी होते हैं वो जो सारे मर जाते हैं। और एक होता है सस्ते तरीके वाला, जो कि हम ड्रम लेंगे और ड्रम में सीधे तरीके से बॉईल कर देंगे, और बॉईल इतने देर तक करेंगे कि वो बहुत हाई टेम्परेचर अंदर उसके जनरेट हो और उसमें से सारे फंगी जो है या फिर कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो सारे के सारे मतलब ख़त्म हो जाएं, और बैक्टीरिया वगैरह जो है उसमें ना रहें, ताकि हमारा जो पुआल है या फिर सब्सट्रेट है वो मशरूम उगाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाए। तो हम आज इसी सस्ते जुगाड़ के बारे में बात करने वाले हैं, सस्ते तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि छोटे से छोटा किसान मतलब जो शुरुआत कर रहा है, जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी कर सकें। तो इसके सबसे पहले करना क्या होता है कि आपको जो आपका सब्सट्रेट होता है, पुआल या फिर कुट्टी या फिर तूड़ी हो गया, आपका सब्सट्रेट में जो गन्ने का खोई आता है या फिर जो भी आपके पास सब्सट्रेट के तौर पे अवेलेबल है, आप उसको ले लें और उसे 4 से 8 घंटे तक फ्रेश पानी में जो है उसे भिगा दें। 4 से 8 घंटे के बाद भिगाने के बाद उसे आप मुँह से निकालें पानी से, और हाँ उसको ऐसे मतलब किसी बोरी में भर के रखें जिसमें से मतलब मान लो जालीदार हो या फिर पानी एकदम आसानी से निकल जा सके। आपका वैसा बोरी होता है जो आलू या फिर प्याज डाल के आते हैं, लाल एकदम जाली वाला बोरा होता है, हाँ सेम आपको उसी तरीके का या फिर जिसमें से आपको आसानी लगे कि पानी उसमें से बाहर एकदम बेहद आसानी तरीके से और सारे का सारा पानी निकल आ सके, वह आप वैसे ही बोरी का एक इस्तेमाल करिएगा। तो इसके अगले स्टेप में क्या करना होता है कि आप जो ड्रम लेते हैं या फिर आप जो भी बॉईल करने के लिए आप जो भी बर्तन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस बर्तन के निचले वाले हिस्से में लगभग आपको 10 लीटर पानी या फिर 5 लीटर पानी जितना जितने में आ सके वहाँ तक आपको एक जाली लगा देनी है, और जाली ऐसे तरीके से लगाना है कि वो उसके ऊपर पुआल डालने के बाद वो नीचे नहीं आए, दबे नहीं, यानी कि आपको नीचे से कुछ उसे सपोर्ट देना है और जाली उसी पे रुका रहे और जाली के निचले हिस्से तक पानी जो है होना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि आपका सब्सट्रेट जो है वो नीचे पानी में ना भीगे, सिर्फ पानी के ऊपर तक जाली रहे और जाली से ऊपर जो है आपका सब्सट्रेट रहे, ताकि नीचे से पानी बॉयल हो और उसमें से भाप जो है ऊपर तक पहुँचे। ऊपर से हमें लेना है एक कपड़ा, और कपड़े से हमें उसका मुंह जो है बंद कर दें। उसके बाद उस कपड़े के ऊपर से हम लगाएंगे एक पोलोथीन,
प्लास्टिक लगाएंगे, प्लास्टिक लगा के एकदम बढ़िया मस्त तरीके से उसको बांध देंगे। बांध देंगे इसलिए क्योंकि उसमें का जो बाफ बनेगा, जो प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर बाहर ना आए, उसका बाफ बाहर ना आए। और इस प्रक्रिया को हम करेंगे लगभग 45 मिनट से लेके 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे तक। आपको एकदम परफेक्ट अगर रिजल्ट चाहिए तो आप 1.5 घंटे तक उसको जो है बॉयल करें, और ऊपर बाफ आने तक जो है आपका प्लास्टिक, उसमें थोड़ा बहुत तो बाफ आपको दिख ही जाएगा, जितना भी आप एकदम ज़ोर से बांधेंगे, दबा के बांधेंगे, फिर भी आपका थोड़ा बहुत बाफ दिख जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतनी देर से बाफ आ रही है। तो आप ऊपर बाफ आने से 1.5 घंटे तक जो है आपको उसमें से उसको बॉयल करना है, और जब 1/2 घंटा पूरा हो जाए, यानी कि कुल मिला के जब 1.5 घंटा वो बॉयल हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपका जो है इंस्टॉलेशन प्रक्रिया, जो है निर्मलीकरण का जो प्रक्रिया है, वो पूरा हो चुका है। तो हमें 1.5 घंटे के बाद आप जो हमारा सबस्ट्रेट है, हम जो पुआल है, मैं पुआल कह रहा हूँ, आपके पास जो सबस्ट्रेट है आप वो यूज़ कर लेना, या फिर समझ लेना मैं उसी को कह रहा हूँ, तो मैं पुआल कह रहा हूँ। तो हमें पुआल को निकाल लेना है, उसके बाद हमें उसे ठंडे होने के लिए छोड़ देना है और किसी ऐसे जगह पर रखना है ताकि नीचे से आपका अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो वो सारा ड्रेन करके निकल जाए, यानी कि सारा का सारा पानी चू जाए। हमें एक ऐसा जाली डाल लेना है, जाली लगाना है, और जाली के ऊपर से हमें अपने सब्सट्रेट को रख देना है, तो नीचे से जो है पानी वो निकल जाए। और याद रखें, आप इसे छांव में ही सुखाएं, जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, नहीं तो आपका जो सब्सट्रेट है, पुआल है, वो सूख जाएगा। तो हमें उस सब्सट्रेट को सुखाना तब तक है जब वो ठंडा हो जाए, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, और उसमें का जो है पानी सारा ड्रेन होके निकल जाए। और आप उसको एकदम परफेक्ट जानने के लिए आप अपने सब्सट्रेट को मुट्ठी में लेंगे और उसको दबाएंगे ज़ोर से, तो यहाँ से पानी निकलना नहीं चाहिए। जब आप अपने सब्सट्रेट को एकदम ज़ोर से दबाते हैं तो सब्सट्रेट से जो है पानी नीचे नहीं निकलना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका परफेक्ट एकदम सब्सट्रेट है इस पानी के लिए, और एकदम बहुत ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए आपका मतलब थोड़ा कोई दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सुखाएं भी नहीं और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रहे, सिर्फ आप जब अपने सब्सट्रेट को ऐसे मुट्ठी में बहुत ज़ोर से दबाएं तो आपके सिर्फ हथेली पे पानी लगना चाहिए, हथेली भीग जानी चाहिए, लेकिन पानी यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके आगे वाले स्टेप में। इसके आगे वाले स्टेप में क्या करना होता है कि हमें सेम जैसे हम अन्य वेस्टर्न मशरूम लगाते हैं, इसी तरीके से हमें भी इसे स्पॉनिंग करने हैं। आप स्पॉनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा है जो है लेयर वाला स्पॉनिंग, हम पहले पुआल डालेंगे, उसके ऊपर जो है अपना स्पॉन डालेंगे, फिर पुआल, फिर स्पॉन, ऐसे लेयर में डालेंगे, इसे कहते हैं लेयर स्पॉनिंग। और एक वाला होता है जो मिक्स स्पॉनिंग होता है, तो हम सारे सब्सट्रेट को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और अनुमान लगाएंगे हमें इसमें से कितना जो है हमें स्पॉन डालना है। इसी तरीके से हम सारा स्पॉन उसी में डाल देंगे, एक ही जगह सब्सट्रेट को रख के, और उसे मिक्स कर लेंगे और फिर सीधे उसे हम बैग में भरते जाएंगे। तो ये मिक्स स्पॉनिंग जो है इंडस्ट्रियल लेवल में ज़्यादातर यूज होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सारा हमें वेस्टर्न मशरूम या फिर सब्सट्रेट हमारा रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा समय लगता है, वैसे जगहों पे हमें देखा है कि वहाँ मिक्स स्पॉनिंग ही फ़ायदेमंद रहती है। तो आप लेयर स्पॉनिंग करना चाहें तो लेयर स्पॉनिंग, या फिर मिक्स स्पॉनिंग करना चाहें तो मिक्स स्पॉनिंग, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर छोटे पैमाने पर कर रहे हैं अभी तो लेयर स्पॉनिंग ही करें, लेयर स्पॉनिंग ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि आपको शायद मिक्स स्पॉनिंग में उतना आइडिया ना हो कि हमें कितने में, कितने सब्सट्रेट में, कितने पुआल में कितना स्पॉन डालना है, तो लेयर स्पॉनिंग जो है वो बेहतरीन रहेगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पोलोथीन में ही, वो वाइट वाले पोलोथीन में ही जो है वेस्टर्न मशरूम ग्रो करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बकेट में या फिर बोतल में, या फिर आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल है या फिर जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास जिस थैली में आप जो है तरकारी वाला वगैरह ले आते हैं, बड़ी वाली थैली, 5 किलो वाली थैली है या फिर 10 किलो वाली थैली है, आप बेशक उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो साफ़ हो,
यानी कि कोई बैक्टीरिया वगैरह रोग वगैरह नहीं हो, तो आप उसे धो धा के साफ़ करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद हम उस मशरूम के बैग को किसी ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ आपका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री के अंदर ही रहे। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मशरूम फार्मिंग में, किसी भी मशरूम फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इसी पे डिपेंड करता है कि आप मशरूम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे या फिर मशरूम होगा भी या नहीं। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, 35 डिग्री से आगे है, 40 है, 45 है, तो शायद आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। या फिर अगर आपके जगह की टेम्परेचर इतनी जाती है, इतना ज़्यादा जाता है, तो आप कोशिश करें कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखें, मेंटेन करके रखें, तो आपके यहाँ भी शायद मशरूम आप ग्रो कर सकें। लेकिन हाँ, आप कैसे भी कर आपका जो है जिस जगह मशरूम आप ग्रो करना चाहते हैं उस जगह का टेम्परेचर 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक ही हो, और इसको इतना ही रिक्वायर होता है, उस जगह पे रख देना होता है। और ये ध्यान रखें कि जो है उस मशरूम के जगह का टेम्परेचर जो है बहुत हाई ना हो, 35 से ज़्यादा ना हो, 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा ना हो। डिग्री जो है आपकी 60 डिग्री से लेके हमें 85 डिग्री तक होनी चाहिए, 60 से 85 एकदम परफेक्ट होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ऑयस्टर मशरूम के या फिर किसी भी मशरूम के खेती में। तो ये जो मशरूम स्पॉनिंग आपके हैं, इस मशरूम स्पॉनिंग वाले बैग को, मशरूम के बैग को हम उस जगह पर रख देंगे, और उस जगह पर रखने के बाद 20 दिन के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। और 20 दिन बाद जब जाके देखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे पिन हेड निकल आते हैं। 20 से 25 दिन लग सकते हैं, अगर आपका टेम्परेचर जो है ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो शायद 25 दिन भी लग सकता है। लेकिन आप अगर एकदम परफेक्ट टेम्परेचर में रखते हैं तो वो 20 से 22 दिन में उसमें से जो है छोटे छोटे पिन हेड निकलने शुरू हो जाते हैं। और पिन हेड निकलने से जो है 5 से 6 दिन बाद वो पिन हेड बड़े होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, मशरूम का आकार ले लेते हैं और वो तोड़ने लायक हो जाते हैं। इन बीच आपको ध्यान ये रखना होता है कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर 65 से टेम्परेचर आपका जो है कम हो जाता है या फिर 60 से कम हो जाता है तो आपके मशरूम के जो छोटे छोटे पिन हेड होते हैं या फिर बड़े मशरूम भी वो सूख सकते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके मशरूम का जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा ऊपर और नीचे ना हो, वो एकदम ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो जब आपके छोटे छोटे पिन हेड निकल आए मशरूम से तो आपको उसमें दिन में दो बार शाम और सुबह को पानी का स्प्रे करना होता है। वो तब तक करना होता है कि मान लीजिए आपका 5वें दिन अगर मशरूम तोड़ने लायक हो जाता है तो उसे 4थे दिन तक या फिर 3रे दिन तक ही मशरूम में पानी स्प्रे करना होता है, यानी कि पिन हेड में पानी स्प्रे करना होता है। और पानी स्प्रे भी कैसे करना है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं कि पानी का स्प्रे किस तरीके से करना है। और पानी स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मशरूम को जो है बड़े होने में, ग्रोथ में ये बहुत बेहद मदद करता है। हाँ, और एक बात का आपको ध्यान रखना होता कि आपके जो जिस जगह मशरूम रखे हैं और उस जगह में हवा का आवागमन ना हो, वो उसी टाइम जब आप चाहें तो इसमें सुबह और शाम आधे घंटे के लिए आप फ्रेश हवा आने दें, और वो भी तब जब आपके मशरूम से छोटे छोटे पिन हेड निकलना शुरू हो जाए तब। उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपकी पिन हेड निकलने शुरू हो जाए तभी आपको ज़रूरत होती है इसमें शाम और सुबह हवा, फ्रेश हवा देने की। तो शुद्ध ताज़ा हवा आधे घंटे में आप उसमें चाहे फैन लगा दें या फिर वैसे ही खुला छोड़ दें, तो आधे घंटे के लिए ऐसा करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मशरूम के आपका जो है आकार वो बड़ा नहीं होगा, और बड़ा नहीं होगा मतलब शेप जो है कुछ नेचुरल नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा या फिर पतला ही रह जाएगा। पतला रहेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर परफेक्ट मशरूम का शेप होना चाहिए तो वो आपको फ्रेश हवा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, शायद आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। और अगर आप पहले से ही मशरूम खेती कर रखे हैं तो बेहद
आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप शुरू करने वाले हैं तो बेझिझक शुरू करिए, मैं आपके सपोर्ट में सदैव खड़ा हूँ। और आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दे रखा है, मैं सभी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, मैं कोई चार्ज नहीं लेता। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना ही होता है। और अगर आपके कुछ कमेंट हो, कुछ सवाल हो, तो प्लीज़ बेझिझक आप नीचे कमेंट कर दें। और अगर आपको मशरूम के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना रखे हैं जो कि मशरूम उगाने वाले किसानों को शायद मदद हो सकती है उससे। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ।